हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आज मैं आपके लिए आ चुका हूँ ऑडी A4। इनलाइन फोर सिलेंडर गाड़ी रहने वाली है भाई, और इस प्राइस रेंज में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी ना तो आप सोच नहीं सकते। वो प्राइस मैं आपको लास्ट में डिस्क्लोज करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में कि क्या गाड़ी की स्पेसिफिकेशंस रहने वाली है। तो भाई सबसे पहले जो हम गाड़ी लेते हैं, सबसे पहले देखते हैं उसका मॉडल कौन सा है। तो भाई ये आपको देख के क्या लग रहा होगा, आप इसकी शाइन वगैरह वो सारी मेंटेन देख के आप बताओ क्या लग रहा होगा। अगर मैं बताऊँ तो 2012 का ये मॉडल रहने वाला है, और आप फर्स्ट मतलब कहीं भी देख लेना आप, आपको लगेगा ही नहीं इसकी शाइन देख के, इसके अलॉय देख के, इसकी जो और सारी स्पेसिफिकेशन को देख के आपको लगेगा नहीं 2012 का मॉडल है ये। 2012 का मॉडल रहने वाला है, इनलाइन फोर सिलेंडर अपनी कार रहने वाली है, 2000cc का इंजन है अपना। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रंट से, तो आपको डे टाइम रनिंग लाइट आपको भी देखने को लिए मिल जाती है, जो कि आप देख रहे हैं। आपको इधर ब्लिंक दिख रही होंगी, बट ये कैमरे में ब्लिंक कर रही है, रियल में ब्लिंक नहीं है। और आपको HID अंदर मिल जाती है, LED नहीं है, HID है। नीचे आपको फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, फॉग लैंप्स से आपको हैलोजन मिल जाते हैं। दूसरी तरफ आते हैं, वही सेम प्रोसेस है, वही सेम आपको दिख जाता है कि डे टाइम रनिंग लाइट आपको नीचे DR देखने को मिल जाती है। इसमें HID है, ऊपर वाले में LED नहीं है। नीचे आपको हैलोजन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो जो कि रात को आपको सफिशियंट हो जाएंगे। मैं अगर कोई क्लिप हुई तो मैं आपको रात को डाल दूंगा देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात, एस लाइन वेरिएंट टॉप मॉडल, इमैक्युलेट कंडीशन के बाद ये कार रहने वाली है अपनी, जो कि आपको दिख रही होगी इसी कंडीशन। मैं खाली बोल नहीं रहा हूँ कि इमैक्युलेट है, ये इमैक्युलेट रियली में आप आके ट्राई कर सकते हो राइट चॉइस कार बाजार पे। आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आपको एड्रेस का लिंक मिल जाएगा, गूगल मैप का लिंक मिल जाएगा। आप आके एक बार खुद इस गाड़ी को देखोगे, आपको रियली लगेगा कि हाँ भाई गाड़ी बिल्कुल नई है। आपको लगे कह ही नहीं सकते कि 2012 मॉडल है आपको गाड़ी लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से मेंटेन कर रखी है गाड़ी, पूरी डॉटलेस, पूरी स्क्रैचलेस गाड़ी मेंटेन कर रखी है। प्राइस आपको लास्ट में बताएंगे, आप चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर कुछ क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी। भाई इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं, इंटीरियर में आपको सबसे बात करते हैं स्टेयरिंग के लिए। तो भाई स्टेयरिंग जो है अपनी, आपको कंट्रोल जितने भी अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल है वो आपको इस पे स्टेयरिंग कंट्रोल में दिख जाएंगे। ये अप एंड डाउन जो भी अपने गाने चेंजेस वगैरह करने का वो होता है वो इधर मिल जाता है, और मोड मिल जाता है आपको राइट में, आपको मिल जाता है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन करने का। और जो इसकी सबसे बड़ी बात है वो आपको दिखाता है, क्रूज कंट्रोल जो आता है आपको इधर देखने को मिल जाता है, ये लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, वाइपर के कंट्रोल इधर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वही इन्फोटेमेंट सिस्टम के ऊपर आ जाते हैं, मैंने आपको इसकी कंट्रोल दिखा दी थी, इन्फोटेमेंट सिस्टम के कंट्रोल जो है वो इधर होते हैं। तो ये अपना इन्फोटेमेंट सिस्टम है, ये सेमी डिजिटल आपको मिल जाता है। नीचे बात करें तो AC के कंट्रोल्स आपको पूरे इधर मिल जाते हैं, आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आपको ये डिस्प्ले दिख रही है, जितने भी आपको कंट्रोल्स मिलेंगे ना वो सारे डिस्प्ले में आपको शो हो जाएंगे। आप इधर से कंट्रोल करोगे इधर आपको सारे कंट्रोल्स शो होने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको इसमें मिल जाती है, ट्रैक्शन कंट्रोल को आपको इधर ऑप्शन मिल जाता है, ऑन ऑफ हो जाएगा। ये सारे पार्किंग के कंट्रोल है, मतलब सेंसर आपको जो है वो आगे भी सेंसर है गाड़ी में, पीछे भी सेंसर है, तो इसमें जो भी आप इधर से ऑन ऑफ कर सकते हैं सेंसर्स को देख सकते हैं। ये मैंने दिला दिया, आपको सामने दिख जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं आर्मरेस्ट की, तो आर्मरेस्ट में काफी इधर स्पेस आपको इधर देखने के मिल जाते हैं। और ये अपना आर्मरेस्ट जो है आगे पीछे आप कुछ कर सकते हो, मतलब एडजस्टेबल है तो अच्छा रहता है, मतलब लॉन्ग ड्राइव में काफी हेल्पफुल रहता है। इनके जो आर्मरेस्ट होते हैं आपको फील होंगे भाई कुछ है, कुछ अलग चीज है, लाइक इतने सॉफ्ट और इतने कुछ, मतलब भाई गाड़ियां जो ऑफर कर रही है ना तो ये प्राइस के सेगमेंट पे ऑफर करती हैं, जो आपको लग्जरी प्रोवाइड कराती हैं, जिस प्राइस में गाड़ी आती है उस प्राइस में जो लग्जरी प्रोवाइड कराती हैं, तो उसी हिसाब से इनके प्राइसेस होते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके और भी, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता है आपको ऑटोमेटिक ऑन ऑन ऑफ का। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो मेजर चीज है वो है सनरूफ। भाई 2012 मॉडल होने के बाद सनरूफ की कंडीशन देख लीजिए किस हिसाब से काम कर रही है। अब इसकी स्पीड चेक कर सकते हो, प्रॉपर स्पीड है भाई, और काफी ज्यादा स्पेस है, मैं बाहर निकल के मैं तो नहीं निकल सक रहा। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कि मुझे गर्मी बहुत पड़ी, मैं निकलना भी नहीं है, और यहाँ से ऑफ हो जाती है प्रॉपर। जो चीज जैसे काम कर रही है गाड़ी उसी कंडीशन में, आपको नई में काम करेगी उसी कंडीशन में इधर काम कर रही है। अब बात करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे आपको दिखाते हैं क्या स्पेस मिल जाता है, पीछे क्या क्या चीजें हैं। तो भाई एस लाइन की बैजिंग है जो आपको यहाँ पे देखने के मिल जाती है, क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें एस लाइन की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं अप डाउन के, आगे पीछे जो भी है, ऊपर सारे दोनों सीटों में आगे पीछे कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब अपन बात करते हैं पीछे की, पीछे कुछ आसमें क्या क्या कुछ मिल जाता है। तो भाई अब लेते हैं गाड़ी में एंट्री, और एंट्री लेते सबसे पहले आपको क्या चीज नोटिस होती है ये देखते हैं। आपको पीछे आपको ये जो रेड रेड आपको लाइट्स दिख रही होंगी, ये लाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे रात को आप गेट वगैरह खोलते हैं तो पीछे को कोई भी व्हीकल वगैरह आ रहा है तो उससे काफी ज्यादा ये हेल्पफुल रहती है, पीछे पता चल जाता है कि सामने वाली गाड़ी का गेट खुला हुआ है, तो वो रेड लाइट जो है ये अच्छा खासा आपको दिखा देती है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, एस लाइन की बैजिंग आपको इधर भी मिल जाती है। अब मैं पीछे आ जाता हूँ, एक तो ये गाड़ी इतनी प्रीमियम होती है ना कि आपको अंदर आते ही आवाज का अलग फील हो गया होगा, बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, पता ही नहीं चलता भाई इतनी ज्यादा साइलेंट हो जाती है गाड़ियाँ।
तो भाई कर्टेंस जो आपको इस कंपनी से फिटेड आपको मिल जाते हैं, बाहर से लगवाने की आपको कोई नीड नहीं है। अपन बात करते हैं आगे एसी की। पीछे भी आपको एसी के दो दो ब्लोअर्स मिल जाते हैं, कंट्रोल्स आपको इधर मिल जाते हैं देखने के लिए, काफी अच्छे एसी होते हैं। क्योंकि भाई सेडान कारों में क्या है कि पीछे एसी चाहिए होते हैं, और जो ये गाड़ियां जो है तो भाई आपको देखने को लग ही रहा है कि इतने ज्यादा लग्जीरियस है, तो पीछे एसी होना ऑब्वियसली है। अब बात करते हैं अपन कंफर्ट की और थाई सपोर्ट की। तो भाई स्पेशली आपको थाई सपोर्ट इधर देख रहा होगा, आगे एक्सटेंड हो रखा है, इधर भी एक्सटेंड हो रखा है, तो थाई सपोर्ट काफी अच्छा है। और आप स्पेस देख सकते हैं, आप ये कितना ज्यादा स्पेस आपको देखने के इधर मिल रहा है, तो भाई स्पेस बहुत सही है। इश्यूज आपको गाड़ी के अंदर फेस करने के लिए नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं ऊपर लाइटिंग सेटअप की, तो आपको इधर देख रहे हैं छोटी छोटी लाइटिंग सेटअप आपको मिल जाता है। बट एक ये है कि ये हैलोजन है, बट ये तो भाई कॉस्मेटिक चेंजेस है, आप करा सकते हो 2012 मॉडल के हिसाब से। इतनी सारी फैसिलिटीज मिलना और क्या आपको वो करोगे, और क्या चाहिए, मतलब और क्या ही चाहिए इस प्राइस रेंज में। मैं आपको ये चीज इतनी सारी चीजें दिला दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते इसकी प्राइस क्या हो सकती है इतनी सारी फीचर्स के साथ। तो भाई नेक्स्ट आते हैं अपन बूट स्पेस पे, जो कि है 460 लीटर का आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो वहां तक है भाई, बहुत बड़ा बूट स्पेस है, बहुत ज्यादा बड़ा बूट स्पेस है भाई। इसको अपन खोल के देखते हैं, स्पेयर टायर आपको मिल जाता है, ब्रांड न्यू कंडीशन में आपको स्पेयर टायर मिल जाता है, जो कि बिल्कुल भी यूज नहीं हुआ। बट इसमें एक कंडीशन रहती है कि आप 80 किलोमीटर पर आवर पे इसको चला सकते हो, ज्यादा नहीं चला सकते हो। छोटा मोटा स्पेस आपको इधर भी मिल जाता है, छोटा मोटा स्पेस आपको इधर भी मिल जाता है देखने के लिए, तो आप रख सकते हो। आप अपने इसको अंडर कर देते हैं, रिफ्लेक्टर्स आपको सामने देते हैं, भाई प्रीमियम गाड़ी है तो रिफ्लेक्टर्स होना तो ही कंपलसरी है। और आप एक चीज देख पा रहे होंगे, काफी ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा मेंटेन कर रखी है गाड़ी, बहुत ज्यादा मेंटेन हो रखी है गाड़ी। अब अपन इसको डाउन करते हैं, बंद कर देते हैं, ऑटोमेटिक आपको इसका बूट मिल जाता है, ऑटोमेटिक आपको होता है, ऑटोमेटिक डाउन का नहीं आता है, क्योंकि भाई 2012 के हिसाब से इसमें ऑटोमेटिक डाउन नहीं आता है। पीछे आपको डिफॉगर्स मिल जाते हैं, डिफॉगर्स आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। डिफॉगर्स बेसिकली क्या करते हैं, फॉग में आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो भाई अब बात करते हैं, जब गाड़ी की पूरी बात कर लिए, जो मेन होता है वो होता है गाड़ी का इंजन। तो भाई डीजल गाड़ी है तो थोड़ी बहुत आवाज आएगी, सबसे बड़ी बात है इसमें हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं आपको, ये नहीं कि ऊपर करके कुछ लगाना है वगैरह, कुछ नहीं, आपको इसमें हाइड्रोलिक मिल जाते हैं। इंजन की बात करते हैं, TDI का आपको इंजन मिल जाता है भाई। आप क्लीननेस देख सकते हो गाड़ी की, कितनी ज्यादा क्लीन है भाई, एकदम बिल्कुल क्लीन है। और 2012 के मॉडल के हिसाब से अगर आपको देखो ना, कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन है। 2000 CC की गाड़ी रहने वाली है, इनलाइन 4 सिलेंडर आपको इंजन मिलने वाला है, 187 BHP का इसमें पावर मिल जाती है, 320 Nm का इसमें टॉर्क मिल जाता है, और क्या ही चाहिए। सबसे बड़ी बात, गाड़ी में आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिलता है, जो कि आप लगा के जूम कर सकते हो भाई, काफी अच्छी आप चीजें कर सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट मतलब ड्रिफ्टिंग वगैरह का शौक है तो वो काफी ज्यादा इसमें आप कर सकते हो। तो इंसुलेशन पूरा आपको देख सकते हो, पूरा पैक है, मतलब बाहर आवाज आने का सीन ही नहीं है। अब मैं इसको बंद करूंगा, आप आवाज खुद नोटिस कर लेना कितनी कम हो जाएगी। देखो भाई आवाज बिल्कुल कम हो चुकी है। अब बात करते हैं गाड़ी की प्राइसिंग के बारे में, क्या कुछ प्राइसिंग अंदर रहने वाली है। भाई अब आ चुके हैं हम ऑन टेबल, जो कि अपना शोरूम है राइट चॉइस कार बाजार। मैं आपको दिखा देता हूँ, फोकस कर देता हूँ, राइट चॉइस कार बाजार अपना शोरूम रहने वाला है। तो अपने ओनर अपने सामने बैठे हुए हैं, तो भैया क्या हाल है, बताइए। बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने बाहर तबाही खड़ी कर रखी है गाड़ियों की, तो क्या आज हमने जो ऑडी A4 का जो शूट किया है, तो क्या प्राइसेस मानूं मैं उसकी, आप क्या गेस करते हैं क्या होनी चाहिए? भाई 2012 मॉडल है तो ऑलमोस्ट 12 लाख तो ऑलमोस्ट होनी चाहिए 12 मॉडल के हिसाब से। उससे कम भी दे देंगे भैया। उससे कम कितना डिस्काउंट कर सकते हो आप, कितना सोच सकते हो? भाई डिस्काउंट तो थोड़ा बहुत ही होता है, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार रुपए का लास्ट गाड़ी में देखो, 50 हज़ार से ऊपर तो क्या ही डिस्काउंट कौन करता है। भैया आपको एक गाड़ी दे देंगे 9.5 लाख रुपए में ऑन रोड की डील। एक मिनट भैया, दोबारा बोलना क्या बोला आपने? 9.5 लाख रुपए में आपको एक गाड़ी दे देंगे। भैया मैं वो ऑडी की बात कर रहा हूँ, मैं स्विफ्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑडी की बात कर रहा हूँ भैया। भाई 9.5 लाख रुपए में आप ऑडी देने वाले हो विद ऑन रोड ट्रांसफर, ऑन रोड 1 ईयर इंश्योरेंस और एक सर्विस उसके साथ आपको मिलेगी। तो भाई अब आप खुद देख लो, खुद शॉक हो जाओगे, उस गाड़ी की कंडीशन देख लो, उसके प्राइसेस देख लो। भाई 9.5 लाख रुपए में आप ऑडी ले जा सकते हो, वो भी एक सर्विस फ्री। आप एक सर्विस नॉर्मली ही कराने जाओगे, आपके कम से कम 30-40 हज़ार रुपए लग जाएंगे, आप एक सर्विस फ्री आप ले सकते हो, और कंडीशन आपने पूरी देख ली है। और भाई अगर फिर भी अगर कोई इंसान कुछ डिस्काउंट मांगे तो उसके ऊपर भी 9.5 लाख के ऊपर भी, जो आपकी वीडियो देख के आए उसका भी मान सम्मान रखनी है। तो भाई ऑन टेबल आप नेगोशियबल हो जाता है, आप देख सकते हो वीडियो के थ्रू आप जब पहुंचोगे तो ऑन टेबल कुछ ना कुछ तो नेगोशियबल हो जाता है। 9.5 लाख रुपए भैया आपको बता रहे हैं अपने मुंह से, मैं तो ऑलमोस्ट सोच रहा था 10-12 लाख से तो क्या ही कम भाई ऑडी मिल जाएगी, बट 9.5 लाख भैया ने बताया है। तो ऑन टेबल आप आओगे तो आपको कुछ ना कुछ नेगोशियबल मिल जाएगा। और मैं भैया का इंस्टाग्राम, भैया अपनी राइट चॉइस कार बाजार का इंस्टाग्राम है, वो सारी लिंक जो है वो सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डालूंगा, वहां से भैया से कांटेक्ट कर सकते हो। तो बस भाई यही थी कुछ आज की वीडियो राइट चॉइस बाजार के साथ कोलैब में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बताए आपको क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, पीस आउट।